नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट ट्रेनिंग स्पिरिचुअल में और मैं हूं आपके साथ श्रुति। रोजाना की तरह हम फिर से हाजिर हैं अपना स्पेशल प्रोग्राम आज का राशिफल लेकर, जहां हम आपको बताते हैं आज का दिन आपका किस प्रकार से रहने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बता दें आपको, राशिफल का मनुष्य के जीवन में विशेष महत्व होता है, बहुत महत्व होता है राशिफल का हमारे जीवन में। राशि के अनुसार व्यक्ति के स्वभाव और भविष्य से जुड़ी कई जानकारियां प्राप्त की जा सकती है। ग्रह गोचर और नक्षत्र की चाल के आधार पर ही राशिफल का निर्माण किया जाता है। ग्रहों की चाल हमेशा बदलती रहती है, इसलिए हमारे दैनिक जीवन में घट रही घटनाएं भी हमेशा समान नहीं होती। आज 22 अप्रैल गुरुवार का शुभ दिन है और आज विष्णु देव की कृपा कुछ राशियों पर विशेष तौर पर विशेष रूप से रहने वाला है, जिससे इनका भाग्य खुल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, बताते हैं क्या कहती है आपकी राशि। चलिए बताते हैं आपका राशिफल। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेष राशि वालों से। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन किस प्रकार से है? कहीं इन्वेस्टमेंट करने के लिए समय उत्तम है, लेकिन किसी अनुभवी व्यक्ति का मार्गदर्शन अवश्य ले। धार्मिक गतिविधियों में भी आपका विशेष योगदान रहेगा। किसी नजदीकी संबंधी द्वारा शुभ सूचना मिल सकती है। करते हैं अगली राशि। वृष राशि वालों के लिए आज का दिन किस प्रकार से है? कुछ अप्रत्याशित चुनौतियां सामने आ सकती हैं, लेकिन आप पूरे आत्मविश्वास के साथ उनका सामना करने में समर्थ रहेंगे। यदि कोई सरकारी कार्य रुका हुआ है तो आज किसी प्रभावशाली व्यक्ति की मदद से हल हो सकता है। चलिए बात करते हैं अगली राशि। मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन किस प्रकार से है? व्यस्तता के बावजूद आप अपने लिए और परिवार के लिए समय निकाल लेंगे तथा कुछ पारिवारिक महत्वपूर्ण फैसले लेने में भी आपका विशेष सहयोग रहेगा। युवाओं को अपने करियर से संबंधित परीक्षा का सकारात्मक परिणाम मिल सकता है। राजकीय कार्यों में आ रही रुकावटें दूर होंगी। नए कार्य की शुरुआत करने के लिए भी समय अनुकूल है। कोई भी व्यावसायिक निर्णय लेने में लापरवाही ना करें, अन्यथा कोई बेहतरीन उपलब्धि हाथ से निकल भी सकती है। व्यावसायिक व्यस्तता की वजह से दाम्पत्य जीवन और घर परिवार को अधिक समय नहीं दे पाएंगे, लेकिन घर का वातावरण सुखद और सौहार्दपूर्ण बना रहेगा। ज्यादा मेहनत और परिश्रम का प्रभाव स्वास्थ्य पर पड़ेगा। कुछ समय अपने आराम के लिए भी निकालना जरूरी है। योगा मेडिटेशन को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। ज्यादा तली भुनी भोजन का सेवन ना करें। चलिए बात करते हैं अगली राशि। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन किस प्रकार से है? इस समय ग्रह स्थिति उत्तम बनी हुई है। आर्थिक योजना से संबंधित कोई लक्ष्य आसानी से फलीभूत होगा। धार्मिक संस्थाओं के प्रति आपका निस्वार्थ योगदान आपकी नाम प्रतिष्ठा को और अधिक बढ़ाएगा। व्यावसायिक क्षेत्र में सभी फैसले स्वयं ही लें। आप अपनी योग्यता और प्रतिभा से कई फैसले लेने में सक्षम रहेंगे। इस समय मार्केटिंग संबंधी कार्यों को स्थगित ही रखें। जॉब में भी टारगेट हासिल होने में पूरी संभावना है। पति पत्नी आपसे सामंजस्य द्वारा परिवार की व्यवस्था को उचित बनाकर रखेंगे। प्रेमी या प्रेमिका को डेटिंग करने का बेहतरीन समय मिलेगा। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, लेकिन घर के किसी वरिष्ठ सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रह सकती है। योगा और मेडिटेशन को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। ज्यादा तली भुनी भोजन का सेवन ना करें। चलिए बात करते हैं अगली राशि। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन किस प्रकार से है? अपने किसी खास हुनर को निकालने का प्रयास करेंगे और आपकी प्रतिभा उभर कर लोगों के सामने भी आएगी। घर में कुछ परिवर्तन या सुधार संबंधी कार्यों की यदि योजना बन रही है तो समय अनुकूल है, लेकिन वास्तु सम्मत नियमों का अवश्य पालन करें। कार्यकाज को लेकर समस्याएं सामने आएंगी। इस समय घर के लोगों का सहयोग और मार्गदर्शन आपके लिए सहायक रहेगा। जॉब में कार्यभार बढ़ने की वजह से तनाव रहेगा। बेहतर होगा कि अपने कार्यभार को दूसरों के साथ बांटने का प्रयास करें। घर परिवार में खुशनुमा माहौल बना रहेगा। युवाओं के प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे, लेकिन मर्यादा का ध्यान अवश्य रखें। किसी बात को लेकर सिरदर्द और तनाव रहेगा। समस्याओं को बहुत ही अच्छे तरीके से सुलझाने का प्रयास करें। योगा और मेडिटेशन को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। ज्यादा भी भोजन का सेवन ना करें। चलिए बात करते हैं अगली राशि। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन किस प्रकार से है? दोस्तों के साथ पारिवारिक गेट टुगेदर रहेगा तथा समय खुशनुमा और मनोरंजन पूर्ण व्यतीत होगा। व्यस्तता भरी दिनचर्या की थकान भी दूर होगी तथा आपसी सलाह मशवरा द्वारा बच्चों से संबंधित किसी समस्या का भी निवारण होगा। कार्य क्षेत्र में किए गए बदलाव के सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। इस समय ग्रह स्थिति आपके पक्ष में है, इसलिए पूरी मेहनत और एकाग्रता से अपने कार्य पर ध्यान दें। किसी को भी पैसा उधार ना दें, अन्यथा वापस मिलने की संभावना नहीं है। घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद व स्नेह पारिवारिक वातावरण को सुखमय बनाकर रखेगा। प्रेम संबंधों को भी विवाह के लिए पारिवारिक स्वीकृति मिल सकती है। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। कभी कभी नकारात्मक विचार आपके मनोबल में कमी ला सकती है। उत्तम प्रवृत्ति के लोगों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। योगा व उत्तम प्रवृत्ति के लोगों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। योगा मेडिटेशन को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। ज्यादा तली भुनी भोजन का सेवन ना करें। चलिए बात करते हैं अगली राशि। तुला राशि वालों के आज का दिन किस प्रकार से है? समय आपके लिए सकारात्मक परिवर्तन ला रहा है। किसी भी दुविधा की स्थिति में परिवारजनों का
किसी भी दुविधा की स्थिति में परिजनों का सहयोग आपके लिए मददगार साबित होगा तथा चल रही किसी उथल पुथल से भी राहत मिलेगी। इस समय अपनी ऊर्जा और अपने जनसंपर्क को और अधिक विस्तृत करने में लगाएं। आपको कई नए सु अवसर प्राप्त होंगे। मुश्किलों के बावजूद आप कामयाबी हासिल करेंगे। सरकारी कार्यों में किसी प्रकार की रुकावट आ सकती है। पारिवारिक सदस्यों के बीच आपसे सामंजस्य और सहयोग बना रहेगा। जीवन साथी को कोई तोहफा देना आपसे संबंधों को और अधिक मधुर बनाएगा। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। अपने दिनचर्या और खान पान संबंधी गतिविधियों को व्यवस्थित रखें। योगा और मेडिटेशन को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। ज्यादातर भोजन का सेवन ना करें। चलिए बात करते हैं अगले राशि वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन किस प्रकार से है। दिन की शुरुआत कार्य सिद्धिदायक रहेगी। आज आपको अपने किसी राजनीतिक संपर्क द्वारा फायदा हो सकता है। आप अपने पारिवारिक तथा व्यवसायिक दायित्वों का निर्वहन भी बखूबी करेंगे। चलिए बात करते हैं अगली राशि धनराशि वालों के लिए आज का दिन किस प्रकार से है। समय दूसरों से मदद की उम्मीद रखने की बजाय अपनी कार्य क्षमता पर ही विश्वास रखें। नए कार्यों को बेहतरीन तरीके से पूर्ण कर पाएंगे। कोई पॉलिसी इत्यादि मैच्योर होने से धन के निवेश संबंधी कुछ योजनाएं बनेंगी। चलिए बात करते हैं अगली राशि मकर राशि वालों के लिए आज का दिन किस प्रकार से है। सामाजिक तथा पारिवारिक गतिविधियों में आपका महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। कुछ समय अपने लिए भी निकालें, इससे आप अपने अंदर नई ऊर्जा का संचार महसूस करेंगे। चलिए बात करते हैं अगली राशि कुंभ। चलिए बात करते हैं अगली राशि कुंभ राशि वालों के लिए आज के दिन किस प्रकार से है। घर संबंधी महत्वपूर्ण वस्तुओं की खरीदारी में समय व्यतीत होगा। आपका सकारात्मक तथा सहयोगी व्यवहार आपको समाज और परिवार में सम्मानित रखेगा। युवा वर्ग अपने लक्ष्य के प्रति जी तोड़ मेहनत करें, अवश्य ही सफलता मिलेगी। चलिए बात करते हैं अगली राशि मीन राशि वालों के लिए आज का दिन किस प्रकार से है। इस समय प्रकृति आपको कोई शुभ संदेश दे रही है। आपको अपने लक्ष्य को हासिल करने में सफलता मिलेगी। कोई महत्वपूर्ण कार्य बन जाने से मानसिक और आत्मिक सुकून कोई महत्वपूर्ण कार्य बन जाने से खुशी महसूस होगी। जानकारी कैसी लगी बता दें। आपको हमें पूरी जानकारी वेबसाइट और अन्य जगहों से प्राप्त हुई है। जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। नेक्स्ट स्पिरिचुअल रिपोर्ट।